क्या आपको ऑर्गेजम तक पहुंचने में प्रॉब्लम होती है? आप अकेले नहीं हैं, ऐसे कितनी फीमेल्स हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम ऑलरेडी है, और ऐसे कितनी फीमेल्स हैं जिन्हें आइडिया ही नहीं है कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं आपको आज कुछ स्टेप्स बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेगा ऑर्गेजम अचीव करने में, और ये वीडियो सबके लिए है, ना कि सिर्फ फीमेल के लिए है। सो यू बेटर वॉच इट, क्योंकि इससे आपकी सेक्शुअल लाइफ बेटर हो सकती है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जितना इंपॉर्टेंट एक लड़की के लिए होता है सेक्स करना, उनके डिजायर्स को पूरा करना, सेक्शुअल फैंटसीज रखना, उतना ही इंपॉर्टेंट फीमेल्स के लिए भी होता है, पर फीमेल्स खुल के बता नहीं पाती है इन चीजों को। ऐसे कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि सेक्स मतलब लड़कों के लिए ही बनाया गया है, और अगर लड़कियों को कुछ डिजायर्स है तो वो गलत बात है, लड़की सही नहीं है। अरे आपके डिजायर्स है वैसे उसके भी डिजायर्स है, आपके जैसे नीड्स है वैसे उसके भी नीड्स है। इसीलिए स्टेप नंबर वन, कपल्स को सेक्स को एज अ ड्यूटी की तरह नहीं लेना है कि बस करने के लिए कर लिया। सेक्स के थ्रू आपको मौका मिल रहा है कि जितना भी प्यार आप एक दूसरे से करते हो वो एक्सप्रेस कीजिए। इससे सामने वाली फीमेल भी कंफर्टेबल हो जाएगी और उसे हेल्प होगा ऑर्गेजम अचीव करने में। एक्सप्रेस योर लव, इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, ये जॉब नहीं है। स्टेप नंबर टू, लड़कों को टर्न ऑन होने में टाइम नहीं लगता है, पर लड़कियों को 20 से 40 मिनट लग जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे फोर प्ले करना है उसके साथ। उसके कुछ प्लेजर पॉइंट्स होते हैं जिससे आप टच कीजिए, उसे अराउज्ड फील करवाइए, उस स्टेज तक लेके जाइए जहाँ पे उन्हें सेटिस्फाइड फील हो रहा है। फीमेल प्लेजर पॉइंट्स पे मैंने वीडियो भी बनाया है जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सबके अलग अलग प्लेजर पॉइंट्स होते हैं। अब वो चीक्स हो सकते हैं, लिप्स हो सकते हैं, ब्रेस्ट हो सकते हैं, या क्लिटोरिस हो सकता है, वजाइना हो सकता है, इट जस्ट डिपेंड्स। कुछ मेल में प्री इजैक्युलेशन का प्रॉब्लम होता है जहाँ पे वो कुछ मिनटों में या कुछ सेकंड्स में इजैक्युलेट कर देते हैं पेनिट्रेशन के बाद, और लड़कियां अनसेटिस्फाइड रह जाती है। आपका अगर प्री इजैक्युलेशन का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंड, अगर आप सेटिस्फाइड जल्दी हो गए हो तो अभी आपका काम है कि आप आपके फीमेल पार्टनर को भी सेटिस्फाई कीजिए। तो आपको यहाँ पे फिंगरिंग करना है या लिकिंग, सकिंग, एनीथिंग दैट शी लाइक्स। पेनिट्रेशन और पीनिस से ही ऑर्गेजम अचीव नहीं होता है, आपके फिंगर्स भी अच्छे से काम कर सकते हैं, आपका टंग भी, और आप कहाँ कहाँ टच कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैटर करता है। क्योंकि अगर अराउजल या टर्न ऑन अच्छा होगा तो ऑर्गेजम भी अच्छा होगा। हम सबको अच्छा लगता है यार अच्छा फील होना। स्टेप नंबर थ्री, मुझे ऑर्गेजम कब होगा, इस पे आपको फोकस नहीं करना है, आपके प्लेजर पे फोकस कीजिए, आपके सेक्सुअल एक्ट पे फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आपका ध्यान बार बार ऑर्गेजम कब होने वाला है, कब नहीं होने वाला है, मुझे अच्छा कब लगने वाला है, इस पे अगर फोकस होने वाला है आपका, तो आप ऑर्गेजम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। एंजॉय कीजिए पूरे मोमेंट को और डिस्ट्रैक्शन को दिमाग में मत लेके आइए। स्टेप नंबर फोर, चेंज सेक्स पोजिशन। अगर आप एक ही सेक्स पोजिशन में हमेशा पेनिट्रेट करते हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने वाले को भी उसमें अच्छा फील हो रहा है। ऐसे कितने कपल्स रह चुके हैं जो सेक्स पोजिशन चेंज करके उन्हें एक्स्ट्रा प्लेजर मिला है और ऑर्गेजम तक दोनों पहुंचे हैं। तो सेक्स पोजिशन चेंज कीजिए, बोरिंग मत बनिए। सेक्स पोजिशन जैसे डॉग स्टाइल या वेमेन ऑन टॉप या स्पूनिंग, मतलब साइड टू साइड लेट के पेनिट्रेट करना, और भी काफी सारे सेक्स पोजिशंस होते हैं जिसे आपको एक्सप्लोर करना है। जो सिर्फ मैं बता रही हूँ वो ही आपके लिए एप्लीकेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। स्टेप नंबर फाइव, एक दूसरे से बात कीजिए। आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है ये एक दूसरे को बताइए, क्योंकि अगर आप ये बताने नहीं वाले हो तो सामने वाला सिर्फ अज्यूम करने वाला है और उसे करते रहने वाला है, जो आपको खुश नहीं रखेगा। स्टेप नंबर सिक्स, आफ्टर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सेक्स के बाद कपल्स या तो अलग हो जाते हैं, सो जाते हैं, या अपने अपने कामों में लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि अभी हमने सेक्स किया था। व्हाई? मतलब एक दूसरे को प्यार एक्सप्रेस कीजिए, प्लीज उसे हग करके सोइए या उसके फोरहेड पे किस कीजिए, शो हर दैट यू लव हर। मतलब उसको आपको सिर्फ महसूस करवाना है कि आप प्यार करते हो, और सेक्स के बाद भी वो आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी वो कुछ मिनटों पहले इम्पोर्टेंट थी। स्टेप नंबर सेवन, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लीज डॉक्टर को विजिट कीजिए। आपके बॉडी में कोई इश्यू है, मेडिकल कंडीशन है, तो उसे डिटेक्ट करके उसे वो ओवरकम करेंगे। हो सकता है कि विटामिन डेफिशिएंसी हो या हार्मोनल चेंजेस हो, या आपको सेक्स करते वक्त काफी पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है, या आपके वल्वा में या वजाइना में इन्फेक्शन है, क्यों है, ऐसे काफी रीजंस हो सकते हैं जो डॉक्टर्स आपको सही बता पाएंगे। तो ये स्टेप्स फॉलो कीजिए और ये वीडियो अपने फीमेल पार्टनर को बताइए, आपको और उनको ये हेल्प करेगा इन सम और दी अदर वे। एंड थैंक यू सो मच गाइस मेरे वीडियोस देखने के लिए, मुझे ये मोटिवेट करता है ताकि मैं और आगे वीडियोस बना पाऊँ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो या टेक केयर, आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टाटा।